नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। इन दिनों देश के राजनीतिक गलियारों में, न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि देश के चौक चौराहों पर भी जिन्ना और आज़ादी की चर्चा है। हर कोई इस बहस में उलझा है कि जिन्ना देशभक्त थे या नहीं और देश को असली आज़ादी कब मिली। इन्हीं मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आरएडी न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश को आज़ादी मिली 2014 में या 1947 में? देश को आज़ादी उसके पहले पूछना चाहिए हमको, जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं आज़ादी और नहीं आज़ादी, कि वीर सावरकर देशभक्त थे कि अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले थे, या देश को आज़ाद कराने में जिन्ना साहब का भूमिका था। जिन्ना साहब अखंड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत थे और यही कारण है कि जिन्ना हमेशा देश की अखंडता की बात करते थे। लेकिन तत्कालीन समय में ही ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे और वीर सावरकर जो थे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगा था, इन लोगों ने एक माहौल पैदा किया हिंदू राष्ट्र बनाने का, और उसी हिंदू राष्ट्र के नाम में फिर नोआखाली में हिंदू और मुस्लिम का राइट हो गया, जिससे गांधी जी बहुत विह्वल हो गए, बहुत ही गंभीर हो गए। अकेला गांधी जी गए वहाँ और सभी लोगों ने अपने हथियार को रख दिया, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, गांधी जी की बात को मान कर लोग सब शांति प्रेम मोहब्बत के भाईचारे के वातावरण को बनाने का काम किया। फिर ये हिंदू महासभा के लोग वीर सावरकर जैसे लोगों ने उकसाने का काम किया। जब उकसाने का काम किया तब जा कर के जिन्ना ने अलग राष्ट्र की मांग की थी। उसके बाद भी ये वीर सावरकर जैसे लोगों को नहीं रहा गया। नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा, ये क्या ही लोग बोलेंगे, है इनकी हिम्मत बोलने की? लो नारा क्या लगाएंगे, कहेंगे जब पूजा होगा तो आर्यावर्ते जम्बू दीपे भारत खंडे, ये नारा लगाते हैं ना, पढ़ते हैं ना, असलों में पढ़ते हैं पंडित जी, आर्यावर्ते जम्बू दीपे, इसको खंड कौन किया? ये देश को खंड करने वाले वीर सावरकर थे जिसकी लोग पूजा करते हैं। गांधी जी को गोली मारने वाला नाथुराम गोडसे किस संगठन का आदमी था, किन का आदमी था? ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और बिहार में जेडीयू के लोग जो बोल रहे हैं, इनको तो पहले ये कहना चाहिए ना, ये लोग मिली कुश्ती कर रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के लोग, इनको खुलासा करना चाहिए अगर वास्तव में जिन्ना के ये देश की स्वतंत्रता के पक्षधर थे तो आज किसके साथ हुआ है, जो देश को खंडित करने वाले लोग हैं, जो देश में हिंदू मुसलमान का नारा लगाने वाले लोग हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े, हमारा देश एक था, इन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, इन्हीं लोगों ने बांग्लादेश में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है किसके कारण घट रही है, ये जो 2014 के बाद इन लोगों ने गड़बड़ शुरू किया है करना देश में,
अशांति फैलाने का काम किया, धार्मिक अशांति। उसके बाद से पूरे अगल बगल चारों ओर ये लहर फैल रही है। लेकिन सर, जो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बयान पे तो कोहराम मचा है। योगी जी कह रहे हैं कि वो तो अखिलेश जी देशद्रोही हैं और उन्हें देश की जो जनता है आने वाले चुनाव में माफ नहीं करेगी और उनको सबक सिखाएगी। इस देश में असल कोई देशद्रोही है? असल देशद्रोही कोई है तो ये हैं आज के सत्ता में बैठे लोग हैं, जो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर खंडित करने का काम कर रहे हैं। ये देशद्रोही हैं, इनको कभी समाज माफ नहीं करेगा। ये वो क्या बोलने वाले हैं? गिरगिट के जैसा रंग बदलने वाले लोग यही देशद्रोही हैं। पहले जब आडवाणी जी गए वहाँ जिन्ना पर माल्यार्पण किए तो इनको पार्टी से उन लोगों ने अलग करने का काम किया। वीर सावरकर के खानदान के लोगों ने पार्टी से अलग करने का काम किया। तो ये तो देश तोड़ने वाले लोगों का है, सभी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ रहा है। लेकिन सर, जब देश की एक अभिनेत्री, जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत जब ये कहती हैं कि देश को असली आज़ादी तो 2014 में मिली जब पीएम मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसे आप कैसे देखते हैं? हालांकि उनके इस बयान की कड़ी निंदा हो रही है, लोग आलोचना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, कई जगह मामले भी दर्ज हुए, लेकिन आप कैसे देखते हैं सर, ये कैसे लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं और देश के जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं? तत्काल कंगना रनौत जैसे लोगों से जो पद्म भूषण की जो उपाधि दी गई उनको वापस लेना चाहिए। पद्मश्री की जो उपाधि दी गई है उससे उनको वापस लेना चाहिए। और जब 14 में आज़ादी मिला पहले तो गुलाम भारत का पद्मश्री की उपाधि क्यों ली है, उसको भी इसका जवाब देना चाहिए। यह सब उच्च श्रृंखल लोग, इसका मतलब कि 2014 के पहले तो देश हमारा कुछ है नहीं था, आज़ादी अभी मिली तो। ये देश को खंडित करने वाले देशद्रोही लोग हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं। दूसरी तरफ एक बयान ये भी आया है कि जो आजमगढ़ है यूपी में, आजमगढ़ सर जहाँ से अखिलेश यादव सांसद हैं, वहाँ उसका नाम बदल करके आर्यमगढ़ किया जाएगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, इन लोगों के पास मुद्दा क्या है? आर्यम, जारियम, नारियम, यही सब लोग करेंगे, इनके पास मुद्दा क्या है? बेरोजगारी के बारे में कुछ ही लोग बताएंगे? 3-4 मुद्दा अगर छोड़ दीजिए तो इनके पास कुछ बोलने के लिए है? हिंदू मुसलमान की बात छोड़ दें, भारत पाकिस्तान की विषय को छोड़ दें तो इनके पास मुद्दा क्या है बोलने के लिए? जय श्री राम का नारा छोड़ दें, इनके पास मुद्दा क्या है? रोजी रोजगार देंगे, हजारों हजार लोग जो मर गए कोविड से, कोरोना से, उसके बारे में क्या इनके पास बोलने का जवाब है मुंह में? अरे आज का मीडिया जो बिका हुआ है उसके माध्यम से झूठ का चलाया जा रहा है, वो झूठ कहीं ना कहीं तो फूटेगा ही ना। किसानों का मामला है, आज तक कितने किसान मर गए, लेकिन पूंजीपतियों देश को बेचने का मामला है, इस सब पर बोलने का इनको है? इनके पास होता क्या है? तो यही सब ना बोलेंगे, कहीं शहर का नाम बदलेंगे, कहीं राज्य का नाम बदलेंगे, यही सब करके दिन काट रहे हैं ये लोग। सर, अभी यूपी का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक में है, तो क्या आपको ये लगता है कि ये सब जो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिन्ना, आज़ादी, आर्यमगढ़, ये सब जो है वोट की ध्रुवीकरण के लिए, यूं कहें कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए किए जा रहे हैं? केवल और केवल ये सब वोट के ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं लोग। और हमारी देश की जो आम जनता है बहुत ही इनोसेंट है, उसका ये लाभ लेना चाह रहे हैं कि किसी तरह से धार्मिक पोलराइजेशन हो, वोट के लिए हो, पेट के लिए नहीं करना चाहते। देख लीजिए पेट्रोल का दाम कहाँ हो गया, जवाब देना चाहिए। ये जो आकर ये कि आज आज़ादी मिला, 2014 में क्रूड ऑयल का क्या कीमत था और आज क्या क्रूड ऑयल का कीमत है? कितना बढ़ा डीजल पेट्रोल का दाम?
उससे ना तुलना होगी भाई। पूरा एक दो जनरेशन हम लोगों का पीछे चला गया। तो ये सब लोगों के आंख में पट्टी बांध करके धूल डालने का काम हो रहा है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। लोहिया जी तो बोले थे भारत महासंघ बनाओ सबको जोड़ के। का नहीं उसकी बात करता है, लेकिन इसके लिए थोड़े उनका दिमाग है। वो तो किसी तरह से वोट के लिए धार्मिक पोलराइजेशन चाहते हैं बस। सर आपने अभी जेडीयू की बात की, जिस तरह से कुल मिलाकर पूरे देश में अभी माहौल बन रहा है और इन इस माहौल के बीच कहीं ना कहीं जनता जो है, आम जनता जो है वो पीस रही है, खास करके एक वर्ग विशेष है जो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और जेडीयू जो है बिहार की पार्टी जेडीयू जो है वो मौन साधे हुए है, तो क्या लगता है कि मतलब जो ये आरोप लगता है जेडीयू पे कि मतलब वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है, तो ऐसा ही दिखता है? ऐसा ही दिखता नहीं, ये सच्चाई है कि गोद में जाके बैठ गए हैं। मौन धारण नहीं की तो मजबूरी है, कुर्सी चाहिए उनको। धारा 370 पर कुछ बोल सके क्या? कश्मीर के इशू पर कुछ बोल सके क्या? अयोध्या मंदिर पर कुछ बोल सके क्या? पहली बार जब जेडीयू और बीजेपी का जब समझौता हुआ था तो ये सब कंडीशन था, क्या हुआ उस कंडीशन का? तो ये तो गिरगिट के जैसा रंग बदल रहे हैं कुर्सी के लिए ही। लोग दोनों एक ही हैं, जेडीयू और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, लोगों के दिमाग को इधर से उधर भटकाने के लिए केवल है, और इसी तरह का डिबेट चलवाते रहते हैं। ठीक सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था कि ये देश में जो उन्माद का वातावरण बनाया जा रहा है, जिन्ना, आज़ादी और आर्यम गढ़ जैसे शब्दों को गढ़कर ये सिर्फ यूपी विधानसभा चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण की रणनीति है और इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।